नमस्ते और स्वागत है आपका एक और टेक्निकल सेशन में फ्रॉम माय चैनल एवरीथिंग एनालॉग। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स की। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, किसकी ज़रूरत क्यों है और इसके बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे एम्पलीफायर्स आपको मिलते होंगे जिनके पीछे टर्नटेबल को कनेक्ट करने का जो पॉइंट है उस पे MM लिखा होता है, यानी मूविंग मैग्नेट। यानी ये एम्पलीफायर में जो फोनो स्टेज है वो मूविंग मैग्नेट को सपोर्ट करता है, मूविंग कॉइल को नहीं करता। हम सब जानते हैं कि मूविंग कॉइल्स साउंड सुपीरियर टू मूविंग मैग्नेट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, सिंपली बिकॉज उनकी डिटेलिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका जो ट्रेवल वेट होता है कार्ट्रिज का वो बहुत कम होता है। दे यूज लेस आयरन एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज जनरली लेस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नेट कम होने की वजह से या मैग्नेट छोटे होने की वजह से उनका वेट कम होता है, ट्रैवल वेट जो जिसको कहते हैं, ट्रांजिट वेट जिसे आप कह सकते हैं, वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से डायनेमिक्स और डिटेलिंग मूविंग कॉइल कार्ट्रिजेस की काफ़ी ज़्यादा होती है। मूविंग मैग्नेट पे जैसा कि द नेम सजेस्ट वी यूज टू मैग्नेट्स और उनकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है और इसलिए डिटेलिंग बहुत अच्छी उसकी नहीं होती। तो अब अगर मेरा मन करे कि मैं मूविंग कॉइल कार्ट्रिज अपने टर्नटेबल पे चलाऊं और मेरे एम्पलीफायर में वो सुविधा नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए एक चीज़ जो लोगों ने बनाई या जिसके बारे में मैं भी आज बात करने वाला हूं, उस चीज़ का नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिंपल सी बात है, स्टेप अप करिए, यानी जो वोल्टेज निकल रहा है आपके मूविंग कॉइल कार्ट्रिज से उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए कि वो मूविंग मैग्नेट के बराबर हो जाए, ताकि आप उसे कन्वीनियंटली मूविंग मैग्नेट वाले इनपुट में फीड कर सके। बस इतना सही लॉजिक है। फिर इसमें काफ़ी डिटेलिंग होने लगती है और ऑडियो फाइल कैटेगरी की लिसनिंग को ध्यान में रख के फिर और क्वालिटी मटेरियल्स की बात होने लगती है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कार्ट्रिज है, एक स्टैंडर्ड मूविंग कॉइल कार्ट्रिज है, जिसका आउटपुट है 0.4 मिली वोल्ट। अब 0.4 मिली वोल्ट मैं अपने मूविंग मैग्नेट के इनपुट में नहीं डाल सकता, क्योंकि फोनो कार्ट्रिज मेरी स्टार्ट होती है से 3 मिली वोल्ट से, जो मेरे एम्पलीफायर का जो मूविंग मैग्नेट का पॉइंट है उसमें 3 मिली वोल्ट एंड अबव, 3 to 5 का जनरली रेंज होती है कि 3 मिली वोल्ट से लेकर 5 मिली वोल्ट तक के मूविंग कार्ट्रिजेस को ये एम्पलीफायर सपोर्ट करता है, यानी ये फोनो स्टेज सपोर्ट करता है। मेरे पास जो मूविंग कॉइल कार्ट्रिज है वो है 0.4 मिली वोल्ट की, 4 तो छोड़िए 0.4, इसको पहले तो 10 टाइम्स ऊपर करना पड़ेगा ताकि ये 4 मिली वोल्ट पे पहुंचे, ताकि मैं इसको सेफली मूविंग मैग्नेट में फीड कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करूंगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपके दो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल कहते हैं इसको और एक को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में आप 0.4 मिली वोल्ट को डालते हैं, वहां से नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे सेकेंडरी कॉइल से 4 मिली वोल्ट या 4.5 मिली वोल्ट या 5 मिली वोल्ट, जैसा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उस तरह का सिग्नल निकलता है। वो सिग्नल जाके आपके एम्पलीफायर में जाता है और आप फिर बड़े मजे के साथ अपने मूविंग कॉइल कार्ट्रिज का आनंद ले सकते हैं। फिर एक और चीज आ जाती है, इम्पीडेंस। हर कार्ट्रिज की, हर मूविंग कॉइल कार्ट्रिज की एक अपनी आउटपुट इम्पीडेंस होती है, यानी जो वो करंट जनरेट कर रहा है उसकी प्रतिरोधात्मकता, जो उसको जाने से बाहर रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो ये इम्पीडेंस जो है और मेरे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो इनपुट इम्पीडेंस है और आउटपुट इम्पीडेंस है, अगर इसमें बैलेंस नहीं बनेगा तो भी आवाज अच्छी नहीं आएगी, सिर्फ वोल्टेज के आधार पर बात नहीं बनेगी। तो क्या किया जाए, तो फिर ये किया जाए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स ऐसे बनाए जाए जिसके अंदर आपको स्विच हो इम्पीडेंस को सिलेक्ट करने का। तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स जिनके अंदर स्विच होता है स्टेप अप वो इनपुट इम्पीडेंस को एडजस्ट करने का, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स अच्छे माने जाते हैं और वो आमतौर पर बहुत महंगे भी होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की दुनिया 10,000 रुपये से शुरू होकर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी ने बनाया है, किस प्रकार के मटेरियल्स उसमें पड़े हैं, कितना वेल शील्डेड है और कितना अच्छा वो काम करता है और कितने सारे कार्ट्रिजेस को वो एक्सेप्ट कर सकता है। बहुत सी रीजंस होती हैं।
अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक कार्ट्रिज है तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर लें, आप उस कार्ट्रिज की इम्पीडेंस से मैच होने वाला कोई भी एक स्टैंडर्ड सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले लेंगे, आपका बात बन जाएगा। लेकिन कल को अगर आप कार्ट्रिजेस चेंज करेंगे, आप अपग्रेड करेंगे, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा ये सजेशन रहता है कि बिल एकदम नीचे वाला भी नहीं और एकदम ऊपर वाला भी नहीं, बीच में कहीं आप सेटल हों। ऐसा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर मेरे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह है सिग्नेट, यानी ऑडियो टेक्निका का जब नाम सिग्नेट था या सिग्नेट ब्रांड से काम करते थे उस समय का बना हुआ ये ट्रांसफार्मर। मेरा ख्याल है 800-900 ग्राम का यह है, काफी हेवी मटेरियल इसमें लगा हुआ है और इसके ऊपर ये तीन इम्पीडेंस सिलेक्शन के स्विचेस हैं, जो है आपका 40 ओम्स, 20 ओम्स और 3 ओम्स। 40 ओम्स मतलब ज्यादा इम्पीडेंस, 20 मतलब कम, 3 मतलब एकदम कम। और फिर एक पास का स्विच भी है, पास यानी इट विल नॉट वर्क एज ए स्टेप अप, यानी मूविंग मैग्नेट अगर आपने लगाया है तो उस टोन आर्म के लिए आपको, उस कार्ट्रिज के लिए आपको पास सिलेक्ट करना है। हाउ डज इट वर्क? इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस, इसमें कोई बिजली की जरूरत नहीं है, आपको पावर ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप ये पीछे देख रहे होंगे दो पेयर RCA के इनपुट आउटपुट्स हैं, टर्नटेबल की वायर एक में जाएगी, इसमें एक RCA केबल लगेगी, वो निकल के चली जाएगी उसके एम्पलीफायर के फोनों में। तो ये वो डिवाइस है जो आपके फोनो स्टेज और टर्नटेबल के कार्ट्रिज के बीच में कहीं काम कर रहा है। अब मूविंग कॉइल कार्ट्रिज आपने लगा दी, उसको आपने प्ले किया, 0.4 मिली वोल्ट इसके अंदर आएगा इनपुट में और इसके आउटपुट से 4 मिली वोल्ट निकलेगा जो आपके एम्पलीफायर के फोनो स्टेज में जाएगा, फोनो वाले इनपुट में। हो सकता है आवाज अच्छी ना हो, आप ट्विक करें, जहां पे इम्पीडेंस की एक्यूरेट मैचिंग होगी कार्ट्रिज की और इसकी, वहां पे आपको आवाज अच्छी सुनाई देगी। आमतौर पे 40 ओम्स और 20 ओम्स दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे कि मोस्ट ऑफ द कार्ट्रिजेस चल जाती हैं, मोस्ट ऑफ द कार्ट्रिजेस। लेकिन अगर आप बहुत हाई एंड कार्ट्रिजेस में जा रहे हैं, बहुत ही हाई एंड, जिनका कि आउटपुट बहुत पुअर है, 0.08 मिली वोल्ट, लीरा हेलिकॉन, क्लियोस, इस तरह की जो बहुत ही हाई फाई कार्ट्रिजेस हैं जिनके अंदर ट्रांजिट रेट बहुत कम होता है, जो रूबी कैंटिलीवर या डायमंड कैंटिलीवर पे बनाई जाती हैं और जिनकी डिटेलिंग बहुत ही एस्टॉनिशिंग होती है, हालांकि हमारे इंडियन म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में उस तरह की कार्ट्रिजेस का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा म्यूजिक जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा उसमें ऑर्केस्ट्रेशन नहीं थी, तो हमें ऐसी कार्ट्रिज चाहिए ही नहीं जो कि सिवाय नॉइस के और कुछ ना निकाले। तो जनरली हमारे लिए तो एक ठीक ठाक सा एलिप्टिकल कार्ट्रिज ही बहुत है, बल्कि मैं तो हिमायत करता हूँ कि आप एक डिसेंट कोनिकल यूज़ करें और मोनो कार्ट्रिजेस यूज़ करें तो पुराने गानों का मज़ा आप ज़्यादा उठा सकते हैं, अगर आप मियाँ जिमा या नहीं तो फिर डेरन DL 102 या अच्छी कार्ट्रिजेस हैं। बाकी स्टीरियो के लिए आप कुछ भी चुन सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन म्यूजिक के लिए ये SUT, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा काम करता है और आप कोई भी बढ़िया कार्ट्रिज 1-1.5 लाख रुपए तक का खरीद के आप इसके साथ पेयर करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैंने इसको यूज किया है अपने श्योर के साथ, सॉरी ऑडियो टेक्निका के ATOC 9 के साथ, जिसके लिए ये बना ही था। तो 20 ओम्स जब मैं इसका इनपुट इम्पीडेंस करता हूँ तो उसके साथ ही बहुत अच्छी मैचिंग हो जाती है और एक्सेलेंट आवाज मिलती है। उसके अलावा मैंने इसको डेनन DL 103, मियाँ जिमा 0, डेनन DL 102 सब पे ट्राई किया है, इसकी जो परफॉर्मेंस रही है बहुत ही कमाल की रही है। तो आज मैं आपको इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाहता था, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट डिवाइस है और इसके अंदर जितना कॉपर, जितने अच्छे क्वालिटी के मेटल्स यूज होंगे ये उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, जितनी इसकी शील्डिंग अच्छी होगी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें कि मूविंग कॉइल का इनपुट नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूविंग कॉइल का इनपुट होने के बावजूद भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो एम्पलीफायर में जो मूविंग कॉइल का इनपुट है वो एक स्टैंडर्ड इम्पीडेंस पे सेट है, आप कोई और कार्ट्रिज डालेंगे हो सकता है उतना अच्छा ना चले। दूसरा, एक प्रीएम्प के अंदर बहुत तरह का नॉइज होता है, बहुत तरह का हीट होता है,
बहुत तरह के क्रॉसटॉक की संभावना है, तो हो सकता है कि वो फोनो सेक्शन जो है आपके साउंड को मडी करे। तो इसलिए आप एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करना बेहतर समझते हैं जो उससे बाहर हो, जो बिल्कुल स्टैंड अलोन हो और वही काम करे जो उसे करना है। तो ऑडियो फाइल वर्ल्ड में या बहुत क्रिटिकल लिसनिंग के वर्ल्ड में हम इन बातों को बड़ा महत्व देते हैं कि हर काम, हर स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस यूज हो, और फिर उनको आप अलग अलग करके रखें ताकि एक दूसरे को इंटरफियर वो ना करें, तो आपकी आवाज की स्पष्टता, क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। अंडर एनी सर्कमस्टांस आई वुड से दैट अंटिल एंड अनलेस यू आर यूजिंग समथिंग वेरी वेरी टॉप ऑफ द लाइन लाइक EAR और यू नो लक्ष्मण के जो टॉप एंड प्री एम्पलीफायर्स आते हैं या और भी हैं बड़े, मतलब जहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, वहां पे तो उनका मूविंग कॉयल सेक्शन बहुत अच्छा होता है, उसमें उन्होंने इंपीडेंस सिलेक्शन का भी स्विच दिया होता है। लेकिन अगर आप उस तरह का कोई बहुत हाई फाई प्री एम्प नहीं यूज कर रहे हैं तो आपके लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मस्ट है अगर आप मूविंग कॉयल का आनंद लेना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बाय द वे, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मेरा फॉर सेल है, क्योंकि अभी मैंने जो एम्पलीफायर अपने पास पीछे लगा रखा है EAR का जो टॉप ऑफ द लाइन 912, उसमें मेरे को 4 स्टेज की इंपीडेंस सिलेक्शन स्विचेस है, तो ये मेरे लिए रिडंडेंट हो गया है, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और नीडलेस टू से इट परफॉर्म्स परफेक्टली फाइन, एकदम 100% परफॉर्मेंस है, कॉस्मेटिकली भी 9/10 है। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो इसे खरीदने का तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी ऑन माय नंबर गिवन बिलो। थैंक यू एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। नमस्कार।